चंबा में तकनीकी अधिकारियों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए बागवानी प्रमुख सचिव जेसी शर्मा ने कहा कि विकसित तकनीक राज्य के बागवानों के समक्ष खड़ी हुई चुनौतियों को दूर करेगी। इस दौरान जेसी शर्मा ने अधिकारियों को राज्य के किसान बागवानों के पास जाकर उन्हें सामूहिक खेती के लिए प्रेरित करने के लिए कहा। जेसी शर्मा ने कहा कि उन्हें क्षेत्र के किसानों को नई तकनीक के विषय में जागरूक करना होगा ताकि वैश्विक बाजार की प्रतिस्पर्धा में हिमाचल के बागवान मजबूती से खड़ा हो पाए। बेसिक इश्यूज में जो है वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए जो पौध जो क्वालिटी प्लांट मटेरियल है, चाहे वो सेब का हो, चाहे नाशपाती का हो, अन्य फलों का हो, टेम्परेट फ्रूट या सब ट्रॉपिक रीजन के, उनकी क्वालिटी पौध किसानों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाए ताकि आप सभी जानते होंगे कि हिमाचल प्रदेश में सेब और अन्य फल होते हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी हमारी दुनिया में सबसे कम है। हम लोग एवरेज पर हेक्टेयर एक साल में 7 से 8 टन सेब पैदा करते हैं। मैं सेब का एक उदाहरण ले रहा हूं क्योंकि 80% प्रोडक्शन हमारी सेब की है। वहीं इस अवसर पर जेसी शर्मा ने कहा कि 1134 करोड़ की ये परियोजना प्रदेश के 85% किसान व बागवानों की आर्थिक व सामाजिक मजबूती का आधार है। जेसी शर्मा ने बताया कि इस परियोजना में महिलाओं को भी शामिल किया गया है और इस परियोजना से महिलाओं को भी आर्थिक मजबूती अवश्य मिलेगी। बागवानी प्रमुख सचिव जेसी शर्मा ने कहा कि इस परियोजना के तहत करीब 1.5 लाख उत्पादकों को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें 33% महिलाएं भी शामिल है। देखिए, बागवानी विकास परियोजना जो है ये एक 1134 करोड़ रुपए की लागत से इम्प्लीमेंट होने वाली परियोजना है जिसका पोषण वित्तीय पोषण जो विश्व बैंक के माध्यम से हो रहा है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रदेश में शुरू हो गई है। इसके माध्यम से हम जो हिमाचल प्रदेश के निचले और ऊपर के क्षेत्रों में जो भी फल फूल या सब्जियों की पैदावार होती है उसमें जो प्रोडक्टिविटी के इश्यूज हैं या प्रोडक्शन के इश्यूज हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे और हाई डेंसिटी प्लांटेशन सघन खेती सेब की और बाकी अन्य फलों की तरफ किसानों को ले जाने का प्रयास करेंगे और ये परियोजना जो है वो 2023 तक इम्प्लीमेंट हो जाएगी पूरी की पूरी। इफेक्टिव वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिस के द्वारा, वाटरशेड को प्रॉपरली डेवलप करने के द्वारा हम लोग पानी की समस्या का समाधान करके बागवानों किसानों के लिए समुचित पानी की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। हिमाचल प्रदेश की GDP इंप्रूव होगी, पूरे प्रदेश की इकोनॉमी का 2.5 से 3 हजार 4 हजार करोड़ का इनकम में डायरेक्ट फायदा लाभ होगा 4-5 साल के अंदर अगर हम काफी मात्रा में हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर सकते हैं। तीसरा, बेरोजगार जवान यूथ जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस कृषि की तरफ या बागवानी की तरफ आकर्षित होंगे।